कनेडा 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 300 300 300 शैनिंगन 10,000 10,000 ऑस्ट्रेलिया 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 10,500 10,500 10,500। अरे सारे कंट्रियों के वीजों की सेल है भाई, ये रेट है 20 लाख 30 लाख नहीं, ये जो बताया मैंने कनेडा 300 ऑस्ट्रेलिया 10,500 रुपया न्यूजीलैंड 13,000 रुपया अपने यूएसए भी ले लिए बिच माड़ा मोटा उन्होंने कर लिए 16,000 रुपया बस इतना जो है इन वीजाओं का खर्चा है। इंग्लैंड का ले लो भाई 110 105 पाउंड यानी वही 13,000-14,000 रुपया उसका लग जाता है बस, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पेपर कोई भी ऐसा नहीं लगता है जिसपे चार्ज लगता है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगती है, सीए रिपोर्ट नहीं लगती है, एफिडेविट कोई नहीं लगता है, कोई स्टाम्प नहीं लगता है, कोई नोटरी स्टंप नहीं होता है पेपर, वो एम्बेसी का डिमांड करती है तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन लगता कोई नहीं आज तक तो भाई हमने किसी को सुजेस्ट किया नहीं। अब इनके वीजे आए हैं आफ्टर 2 रिफ्यूजल के बाद, 2 रिफ्यूजल इनकी लग चुकी थी, तीसरी रिफ्यूजल के बाद 2 रिफ्यूजल के बाद ये वीजे आए हैं तीसरी बार। तो कैसे आए हैं भैया, पहले तो बात है कि ये पासपोर्ट ही फ्रेश है सारा, ठीक है ना, फ्रेश पासपोर्ट है और कैनेडा एंड दूसरा भी कैनेडा है इनके वीजे हैं। ये ना सर क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। थोड़ा सा मर्दानी आवाज में, क्या नाम है जी आपका? अमनदीप। अब सिंह कहाँ गया? चलो एनीवे, ये नाभा के रहने वाले हैं भाई, इनके ये मेरे से मिले हैं 2-3 साल पहले मिले हैं, इनके 2 बार रिफ्यूजल हुए हैं जो इनकी जबरदस्ती के कारण थे, लेकिन रिफ्यूजल मेरे कर कमलों द्वारा हुआ था, लेकिन जबरदस्ती इनकी थी, मैंने मना किया था, ये नहीं माने, इन्होंने वीजे डाले। हाँ जी, लक आजमा लेते हैं, जो ऑलवेज करते हैं लोग लक आजमा लेते हैं भाई, इन्होंने लक ही आजमाया था अपना, हर बार लक लक नहीं होता है ना, वो लक भी तोड़ देता कई बार, तो वो तो 2 बार तोड़ गया लक, लक का नहीं कमर, ठीक है ना। तो सिंपली सी बात है कि इनके बैंक स्टेटमेंट मैनेज की, इनकी ITR मैंने खुद भरी हुई है, इनकी ITR मैंने खुद भरी है, जबकि ये हाउस वाइफ है, आपको तो नहीं कोई शो किया हमने, इनको हाउस वाइफ ही शो किया है। उनकी सैलरी कितनी डलवाई है मालिक? 30,500 उनकी सैलरी डलवाई है, जबकि इनका एक बहुत छोटा सा नॉर्मल सा वर्क है जिसमें 10-12 हजार का सैलरी मिलती है, 150, इनका कोई काम नहीं है ऐसा, लेकिन सैलरी डाली है और बड़े अच्छे तरीके से फाइल लगाई, वीजा आया, लेकिन इस बार खुद बोला कि हाँ जी फाइल लगाओ, पीछे थोड़ा सा इश्यूज हुआ था कनाडा के वीजा को लेकर, जब इंडिया और थोड़ा सा इशू हुआ था वीजा वीजा को लेकर, तब इनको बोला भाई अभी हम फाइल लगाएंगे, महीना रुक जाओ, अगले रुके हैं, थोड़ा वेट किया है, बाद में फाइल डाली है। सर एक चीज बताइए कि वीजा कितने कितने रुपए के, 2 वीजे आए हैं, कितने कितने का है? $200 यानी 1,200 यानी 12,000-13,000 रुपया लगा इनका। इसके अलावा सर कोई सीए रिपोर्ट लगी आपकी? कुछ नहीं लगी। कोई एफिडेविट, कोई सीए रिपोर्ट के बजाय कोई वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन? नहीं, अरे भैया 40 लाख की डलवानी है, 7,000 रुपए लगे, मैं 40 लाख डाल दूंगा, इन्वेस्टर ने वही तो खरीदनी है आके। अरे कुछ नहीं लगता है, बिना मतलब के अननेसेसरी पेपर लगाते हो आप, मैं सामने वाले को बुरा मतलब चिढ़ा दो इतने पेपर दिखा के, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डराया जाता है, आप लोगों को एक डर दिखाया जाता है, उस डर के माध्यम से आप लोगों का पैसा खाया जाता है, कहते हैं फेक का धंधा हो जाएगा, रिफ्यूजल लगी तो आपका पासवर्ड गंदा हो जाएगा, ये चीज है। तो 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट लगाओगे तो हर देश के वीजे पाओगे, किसी बेवकूफ के जाओगे तो ये गंदा पासवर्ड करवा के आओगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सर जी एक चीज बताइए, 3 ITR लगी आपकी? हाँ जी। बैंक स्टेटमेंट 4 महीनों की लगी? हाँ जी। सैलरी स्लिप पे 4 लगाई? हाँ जी। एक NOC लगाई? हाँ जी। बच्चे का कोई लेटर लगाया? नहीं कुछ नहीं लगाया। कोई एफिडेविट लगाया? हाँ जी। कोई स्पोर्टिंग लेटर, कोई टेक केयर फॉर्म? नहीं नहीं कुछ नहीं लगा। लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस चीज को ध्यान से समझना, इनके 3 तो ITR लगे थे, 3 ITR लगा के, 3 ITR लगा के इनकी जो है बैंक स्टेटमेंट 4 महीनों की लगी थी, इनकी जो है NOC लगी थी, सैलरी स्लिप लगे थे, एक ज्वाइनिंग लेटर लगा था, और इनको हाउस वाइफ दिखाया है, और फ्रेश पासपोर्ट पे आज इनका कनाडा का वीजा आया है। इससे पहले आपने घबराना नहीं है और किसी भी उल्लू के पट्टे के पास जाना नहीं है। सर कोई डिमांड आपसे की हो? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा मैंने अंडर टेबल लिया हो? नहीं। कोई बात की लिया हो, ऊपर का नीचे का कुछ लिया हो? फ्री जिम, फ्री कोच। कोई फाइल चार्ज मैंने इसके लिए हो? नहीं। भैया मेरे रिश्तेदार है ना, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं ये तो रिश्तेदारों के वीजे लगवाते हैं, पता नहीं कहाँ का मेरे बाप अपने रिश्तेदारी बना के रखी, आई डोंट नो कहाँ कहाँ से निकलाते हैं। तो चलो आप हैप्पी हो? हाँ जी, से आपके शुद्ध विचार के हैं लोगों के लिए, बिल्कुल। ये पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका वीजा आ चुका है, अगर नहीं आता फिर गालियां देते। नहीं, ये 2 बार रिफ्यूज हो चुके हैं, तो इनका ऐसा नहीं था, जो दिल से जुड़ेगा ना आज नहीं तो कल उड़ेगा भाई, ये वीडियो ऐसे नहीं है। मैंने फिर आपको एक चीज बताई है, ये वो लोग नहीं है जिनके नीचे गाड़ियां हैं,
ये जिनके घर शीशे के बने हैं या घरों में मार्बल डला हुआ है, ये वो लोग हैं जो 10-12 हजार की अपनी एक तनख्वाह लेके अपना परिवार व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, इन्होंने कष्ट किया, जैसे मर्जी किया, अपनी सैलरी डलवाई, बट अगर कुछ भी किया यार, मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम ये आज इनको मिला है। अगर बाहर से वीजे लगवाते तो कहीं 50 लाख गवा के आते, लेकिन हमसे जुड़े थे इसलिए फ्री में उड़े हैं। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच अरविंद, बाय बाय, टेक केयर।